मैं हूं गिरीश शर्मा। आप सभी का स्वागत है आरबी न्यूज लाइव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां छात्रा रीता सा हत्याकांड को लेकर गुस्साए लोगों ने किया पुलिस चौकी का घेराव एवं गुस्साए लोगों ने पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। इस खबर के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हमारी आगे की रिपोर्ट। खमरिया निवासी छात्रा रीता के अपहरण एवं हत्या के घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने शासन पुलिस चौकी का घेराव करते हुए हत्यारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने एवं चौकी प्रभारी प्रियंका को सस्पेंड करने की मांग को लेकर तमाम स्थानीय समाज सेवियों एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ पहुँचे स्थानीय लोगों ने जमकर नारेबाजी की तथा हत्यारों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की। चौकी घेराव के दौरान मौजूद लोगों ने चौकी प्रभारी के विरुद्ध जमके नारेबाजी की तथा मनमानी कार्रवाई का आरोप लगाया। सीएसपी देवेश पाठक, शहर कोतवाल अरुण पांडे, टीआई यूपी सिंह बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में भाजपा एवं कांग्रेस और एबीवीपी के छात्र छात्राएं, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि खमरिया निवासी छात्रा रीता साहा का आलम अंसारी नामक युवक द्वारा अपने सहयोगियों के मदद से अपहरण व हत्या की घटना में विगत 10 जुलाई को मिले नरकंकाल की घटना को लेकर पीड़ित परिवार एवं तमाम स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल है। उनका मानना है कि चौकी पुलिस ने आरोपियों के बचाव का प्रयास किया है। सलाउद्दीन अंसारी, जिसका पीड़ित पिता बार बार चीख चीख के चिल्ला कर कह रहे हैं युवा मुझे अंधेरे में रखा है, लेकिन आज भी सलाउद्दीन अंसारी के ऊपर कोई भी हत्या ऐसा आरोप या प्रत्यारोप नहीं लगा है। क्यों संरक्षण दे रही पुलिस? हम कहते हैं जिस तरह से बहन प्रियंका रेड्डी के मामले में यदि वहाँ हैदराबाद पुलिस यदि वहाँ पे कर सकती है, ऐसा क्यों नहीं कर देती? जनप्रतिनिधि ऐसा क्यों नहीं अधिकार दे देते पुलिस को? क्यों सिंगरौली की जनता को ऐसा इंतजार कराने वाली बात कही जा रही है? प्रियंका मिश्रा जी क्यों आज भी इस कमेटी में बनी हुई है? क्यों जाँच के साथ उनका बना हुआ है? उनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? यदि जाँच ही करना था मैडम, 4 दिन यदि आपको जाँच करना था तो आप 18 तारीख से सोई हुई थी क्या? जिस दिन पिता एक आकर के वहाँ पे आपके पास याचिका रखता है, दया मांगता है, भीख मांगता है गरीब परिवार, लेकिन उसके FIR में उसका नाम तक किसी का नहीं लिया जाता है, जबकि नाम बार बार चीख चीख के चिल्ला रहा था। हमारी बेटी के साथ ऐसा दुर्दांत करने वाले अपराधी हो सकते हैं। देखिए ऐसा थोड़ा जी